अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम चंगे और फर्स्ट क्लास और मस्त होंगे। टाइम देखो पहले, आप लोग 7:15 बज चुके हैं और मैं इस वक्त खारघर में हूँ, मतलब घर से निकल के सीधा पहुँच गया हूँ खारघर 7:45 से। 6:45 से मैं ऑनलाइन हूँ और मैंने ना मतलब प्रीमियर और इंटरसिटी चालू करके रखा हुआ है। हो सकता है सैटरडे का दिन है, कोई बुकिंग अपने को अच्छी सी आ जाए, क्योंकि सैटरडे के दिन इंटरसिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सीएनजी तो भरा है नहीं, क्योंकि गाड़ी में आधा सीएनजी है मेरे पास, बट अगर कोई इंटरसिटी आती है तो फिर भराना पड़ेगा मेरे को। नहीं, लोकल आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना सीएनजी मेरे पास गाड़ी में है। वैसे तो यहाँ से पुणे जाने जितना भी है, बट फिर भी रिस्क लेके नहीं जाना चाहिए, भरा लेना चाहिए। और अगर कस्टमर नाटक भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लोनावला क्रॉस करने के बाद जो मैकडोनल्ड है उसके सीएनजी पेट्रोल पंप पे सीएनजी मिलता है, जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी है। तो अभी सेक्टर 35 खारघर में बैठे हैं और बुकिंग का कर रहे हैं वेट, जैसी अच्छी सी बुकिंग आएगी यहाँ से निकल जाएंगे। और दिन भर में कितनी अर्निंग करेंगे और कितना काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और कुछ आपको कुछ अच्छी सी बातें रहेंगी तो वो भी बताने की कोशिश करूँगा या आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से मिलाता हूँ मेरे एक कज़न को जो मेरे साथ में रहता है। कैफ, सलाम वालेकुम, हाय बोलो। हाय, मोबाइल छोड़ो सब। देखो ये है ना, ये मेरा कज़न है, मेरी खाला का लड़का है, गुजरात में रहता है ये, ठीक है। गुजरात में रहता था मतलब, अभी मेरे पास लगभग इसको 3 से 4 महीना हो गया है। तो इससे पूछेंगे हम कि इसने स्टार्टिंग में आके क्या किया है। स्टार्टिंग में जब तू आया क्या किया तूने यहाँ पे? जरा पहले तो पार्सल डिलीवरी सर्विस में था जोमेटो के अंदर। हाँ, उसके बाद अभी 1 महीना हुआ तब से ओला उबर स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मतलब जो अपना नया वाला वैगनर लिया उसपे? उसपे हाँ, नया वैगनर लिया आरिफ भाई ने उसपे। तो देखो गाइज, इसने ना मतलब ये इसने पहले आके जोमेटो चलाया बेचारे ने, फिर मतलब लाइसेंस नहीं था इसके पास, तो यूलू जो आती है ना इलेक्ट्रिक बाइक, यूलू पे इसने पार्सल डिलीवरी किया 1.5 महीना 2 महीना, फिर उसके बाद 2 से 3 महीना ना 4 महीना हो गया लगभग, 3 महीना इसने पार्सल डिलीवरी किया। फिर नया वाला वैगनार आया तो मैंने इसको नया वाला वैगनार दे दिया और ये 50% पे मेरी वैगनार नया वाला चला रहा है और बहुत मस्त चला रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे। कितनी अर्निंग कर रहा है? 3,000 3,500 3,000 के अंदर हो जाता है मतलब 3 से 3,500। और ग्रुप है ना, देखो यहाँ पे कितना दबा के खड़ा हुआ है, ये लोग इंतजार में देखे। उसको बंद कर, उसको बंद कर ले, ये बंद करना। देखो और पलटन यहाँ पे ऐसे जमा होने के लिए बैठे हैं सब लोग, कि ये जो है ना काम नहीं करते ढंग से इसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो हमारी टीम है ना यहाँ पे जो बैठती है, मतलब 2-4 लोग, ये कभी कभी बैठते हैं हफ्ते में 1-2 बार, बट कोई भी बुकिंग नहीं, ऐसा नहीं कि बुकिंग छोड़ता है ना, कोई किसी को ये बात बोलता है कि ये वाली बुकिंग मतलब वो नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है। और सब लोग लेके यहाँ से निकल ही जाते एक एक करके, बहुत ज़्यादा नहीं रुकता है कोई। अब मैं आप लोगों को है ना नया वाला जो वैगनार है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चल क्या नया वाला वैगनार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों को मैंने बोला हुआ था कि नया वाला वैगनार दिखाता, आज फाइनली दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना गाइस, ये VXI मॉडल है, VXI कुल 4 दिन की चली हुई गाड़ी है, 4 से 5 दिन चल के हमारे पास आ गई है। अंदर से खोल जा रहा है इसको, खोल। देखो दिख रही होगी आप लोगों को, नया नया एक बिल्कुल नई है, VXI मॉडल है। देखो चारों पावर विंडो है इसको, ये देखें व्हील कैप भी लगे हुए हैं और चारों पावर विंडो है, भर भर के स्पेस है इसमें बहुत। यहाँ पीछे भी बैग रखने की काफ़ी जगह होती है इसमें। जरा डिग्गी खोल, बंद कर, यहाँ से है ना ऐसा बटन से इसकी डिग्गी खुलती है, ये बटन से। ये देखो इसमें कितना जगह, कितनी जगह है, बहुत जगह है। ठीक है, ये कैफ है, ये चला रहा है मेरा कज़न। और ठीक है, अभी है ना आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद मिलूँगा मैं, वहाँ की बुकिंग आएगी अच्छी सी। देखो बस चलती है हमारे यहाँ पे ना दुनिया भर की बस
जो है ना बस सर्विस चालू हो गई है बम्बई जाने के लिए, और इसके लिए ना कारगर में बुकिंग कम हो गई, तो बहुत दबा के यहाँ पे बुकिंग मिलती थी अपने को। ये देखो क्रिकेट चालू है यहाँ पे। तो गाइज बुकिंग देखो अब आई है, कितना बज रहा है 10:52 में ओला प्राइम में आई है ये। और ये देखो बालाजी हाइट, मतलब 35 के इधर ही बुकिंग है ये, 35 सेक्टर 35 के इधर ही है। और अभी कस्टमर को पिकअप करने आ गए, एयरपोर्ट की बुकिंग है, अब यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। देखो काम की कंडीशन, मतलब सैटरडे तो इतना गंदा जा रहा है ना, हर सैटरडे बहुत ज़्यादा, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अभी देखेंगे कितनी अर्निंग हो पाएगी। 11 तो अपने को यहीं पे बच गए, कोई बुकिंग नहीं आई है। हालांकि मेरे साथ वाले जितने ही बैठे थे सब लोग धीरे धीरे करके निकल गए, 2-3 लोग बचे थे खाली। अभी मैं भी निकल रहा हूँ और 1-2 जन और बचे हुए, उनको देखते कभी आएंगे पता नहीं। तो मैं आप लोगों को एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मिलता हूँ। ये देखो ये लिफ्ट में यहाँ से कस्टमर आएंगे। तो गाइस देखो आप लोग, गो टू होम मैंने लगाया हुआ है नवी मुंबई का, और मेरे को है ना यहाँ पे आके मतलब 10 से 15 मिनट हो गई टाटा हॉस्पिटल के बाजू में। ठीक है, टाटा हॉस्पिटल पे 10 से 15 मिनट यहाँ पे आके हो गई है, कोई बुकिंग नहीं आई अभी तक। और फोर्ट में एक लोकल बुकिंग मारा मैंने, और प्राइम में, और फिर मैंने मतलब मैं आपको स्टार्टिंग का शेड्यूल बताता हूँ। पहली बुकिंग मिली एयरपोर्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। फिर एयरपोर्ट से दूसरी बुकिंग मिली मेरे को फोर्ट, 25 किलोमीटर का 300 दिया, और बंदे का 138 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया, उसका उसने मुझे नहीं दिया। नहीं दिया कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे साथ धतिंग कर रहा था, मैं उसको उसके ऊपर चढ़ गया। मैं बोला देख तेरे को अगर फालतू बात करेगा तो इधर तेरे को बजाने वाला हूँ मैं, ध्यान रख। तो वो फिर बाद में मेरे को बोलने लगा ठीक है अपना GPI दो और मैं करवाता हूँ। मैं उसको बोला एक काम कर, तेरे तू गरीब आदमी है, तेरे पास पैसा नहीं है, तू 140 रुपीज़ लेके जाइए जा 138। तो चुतिया चले गया चुपचाप। मैं बोला कल तेरे को कयामत में नहीं छोड़ूंगा, कल तू इसका पैसा मेरे को दे के जाएगा। क्यों, मैं क्या करूँ भाई, बड़ा या नहीं बड़ा, मैं मुझे मतलब नहीं है। तूने किसको बोले, मैंने किसी तीसरे से पिकअप बुकिंग कराया है। अरे मैं मुझे क्या पता आपने किससे कराया किससे नहीं कराया, मैं उसको नहीं जानता हूँ। आप मेरी गाड़ी में बैठे, मैंने आपको अच्छी सर्विस दिया, अच्छे से लाया। तो बोलते सीलिंग से क्यों लेके आया आप, ठीक है सीलिंग का माइनस करते तो ये तो 138 रुपीज़ हो रहा है, सीलिंग का 85 होता है ना, तो 138 रुपीज़ हो रहा है। तो क्या था गाइस, बहुत से लुखे रहते हैं, एक्चुअली वैसा लुखा नहीं था वो, जैसे ट्रपोरी टाइप का होता है ना वैसा नहीं था वो। ये जो था ना, ये एक अमीर आदमी वाला लुखा वाला सिस्टम था। फिर मैं उसको उसके ऊपर चढ़ गया, लाल पीला हो गया, तो वो हो गया शांत। फिर मैंने उसको बोला जा तू 138 रुपीज़ रख और इसका चाय नाश्ता कर और मौज कर। क्या करेंगे गाइस, देखो झगड़ा नहीं करने का कभी भी किसी के साथ में। हाँ आपके कोई गले तक आ रहा है तो फिर छोड़ना नहीं, आपके गले तक आ रहा है कोई, गिरवान तक आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं, बाकी बिला वजह थोड़े बहुत पैसे के लिए झगड़ा करने का नहीं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मैंने उसको 138 रुपीज़ छोड़ दिया, लेकिन मैंने मगजमारी ज़्यादा नहीं किया, लेकिन उसको सुनाया मैंने बहुत खरी खोटी। लेकिन बहुत ही बखील और जलील इंसान था, उसने ध्यान इस बात का दिया नहीं है। फिर मैंने सोचा कि इसके साथ वीडियो, मैंने उस वीडियो भी बनाने के लिए मैंने कैमरा चालू किया, भाग गया वहाँ से। मैं बोला जा तू चल अभी निकल यहाँ से। मैंने उसको वहाँ पे फिर ड्रॉप करके फिर वहाँ से मेरे को एक लोकल बुकिंग लगी प्राइव में, उसमें मेरे को 138 रुपीज़ मिला, 138 दिया कंपनी ने 2 किलोमीटर का। फिर वहाँ से कोई मतलब गाड़ी में CNG मेरी एम्ट ख़त्म हो गई थी, वहाँ से सीधा मैं खाना खाया मैंने डॉकयार्ड में, वहाँ पे ऑनलाइन किया, कोई बुकिंग नहीं आई। 15-20 मिनट आधा घंटा रुकने के बाद वहाँ से सीधा चले आए टाटा हॉस्पिटल, KM हॉस्पिटल के इधर बैठा हूँ मैं, KM हॉस्पिटल के बाहर का है ये सीन। और गो टू होम लगाया हुआ है, अब जो है ना यहाँ से देखेंगे कहाँ की बुकिंग आएगी, बताएंगे आपको। वीडियो को एंड तक देखो, स्किप मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए। और टाइम देखो क्या हो रहा है गाइस, पता है आप लोगों को मैं आ गया था घर पे आज ना, एक्चुअली मेरे फ्रेंड लोग आ गए थे, मैं बॉम्बे में था परेल में, तो इन लोग का फ़ोन आया तो मैं इनको वहाँ से लेकर सीधा घर पे आ गया। और घर पे आके ना मतलब फिर मैं, पता है फिर फ्रेंड लोग आ जाते हैं तो फिर ये मेरे बचपन के फ्रेंड लोग हैं और इन लोग आज मेरे घर पे ही है, तो मैं फिर काम पे नहीं जा पाया और अर्निंग भी मेरी कुछ भी नहीं हुई। अर्निंग सिर्फ 1063 मतलब 1063 रुपये की अर्निंग हुई है और कुछ काम आज ज़्यादा हुआ नहीं है। फिर मैं घर पे आ गया था लगभग 5 बजे, 2:30 से 3 बजे वहाँ से इन लोगों को लेकर निकला और मैं घर पे आ गया। तो आज का जो काम अपना है ना वो ख़राब हो गया था। और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया बस उतना ही है। और वीडियो कैसी लगी वो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में,
जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे।